खेसारी भैया के ऊपर हाल ही पत्थर चला है झारखंड में। बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही होना चाहिए। उम्मीद कम है कि कोकोकोला 2 आएगा, चूंकि कोकोकोला 2 लिखने के लिए मुझे ही कमिटमेंट किया गया था। मैं उस गाने को लिखा भी हूँ। लाखों की भीड़ होती है पब्लिक की और उसमें कोई पत्थर चलाता है या हो सकता है कोई अपने ही ऑडियंस में देख रहा है उसी को कोई मारा। लेकिन पत्थर काफी बड़ा था और उस जो फीमेल डांसर थी उसका सिर तक फट गया जैसा खेसारी भैया बोल। पत्थर तो हम वजन करने नहीं गए थे, हम उस प्रोग्राम में थे भी नहीं। लाखों के भीड़ में कौन पत्थर चला है पब्लिक बताएगा तब ना। अब ऐसा कैसे पता सकते, पुलिस क्या कर सकती है बेचारे, 2 लाख वहाँ पब्लिक है। पत्थर तो झारखंड से ही चला है ना, पत्थर पाकिस्तान से तो आया नहीं होगा। कोकोकोला 2 जो है बहुत जल्दी आ रहा है, वो गाना जो है हमारे ऑडियंस को कब तक देखने को मिलने वाला है? उम्मीद कम है कि कोकोकोला 2 आएगा, चूँकि कोकोकोला 2 लिखने के लिए मुझे ही कमिटमेंट किया गया था। मैं उस गाने को लिखा भी, कोकोकोला 2 नहीं होने वाला भी। डोली में गोली मार दें 3 हमारे ऑडियंस को कब तक दिखा रहे हैं? मई में दिखाएंगे, फर्स्ट वीक में एकदम 100% गारंटी के साथ। या ऑडियो छोड़ें या वीडियो छोड़ें, लेकिन मई में आपको सुनने को जरूर मिलेगा। कि तहरा संगे घिचावल फोटो फार देम, अजही आई बारात तोड़ डोली में गोली मार देम, कि जही आई बारात तोड़ डोली में गोली मार देम। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं लीड न्यूज। दोस्तों हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गीतकार हमारे साथ पवन पांडे जी हैं। बाबा सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? चलिए प्रणाम नमस्कार, और सबसे पहले लीड न्यूज़ देखने वाले को सबको नमस्कार है। जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी नमस्कार है, जो पहले देख चुके हैं उनको भी नमस्कार है। बाबा सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपका पाँव अभी कैसा है? पाँव ठीक है, तभी तो लटका के बैठे हुए हैं, अभी ठीक है। चूँकि आज 12-15 दिन हो गया और 15 दिन वो 1 महीना का रेस्ट था, तो आधा दिन तो निकल ही गया। अभी हाल ही में जैसा बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रहा है, डोली में गोली मार दें 3 हमारे ऑडियंस को कब तक दिखा रहे हैं? मई में दिखाएंगे, फर्स्ट वीक में एकदम 100% गारंटी के साथ। या ऑडियो छोड़ें या वीडियो छोड़ें, लेकिन मई में आपको सुनने को जरूर मिलेगा। बाबा डोली में गोली मार दें 1, डोली में गोली मार दें 2 इतना बड़े लेवल का हुआ, तीसरा जो है क्या किस तरह का कॉन्सेप्ट है, हमारी ऑडियंस को कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है तीसरे में? देखिए तीसरा में बहुत कुछ बदला दिखेगा आपको, चूँकि क्या है कि 1 और 2 जिस समय रिलीज हुआ था उस समय वीडियो का जो रीच था वो इतना डेवलप नहीं था। चूँकि अभी आप भोजपुरी का वीडियो सुनते हैं तो आप बॉलीवुड की तरह देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो पहले के वीडियो में अब के वीडियो में अंतर होगा। तो क्या होगा कि अभी का जो वीडियो होगा वो बहुत रीच होगा और कुछ अलग लेवल का होगा, आपको दिखेगा बिल्कुल बॉलीवुड के तरह, बिल्कुल बॉलीवुड का जो सैड सॉन्ग होता है, जो उस टाइप का हम लोग इसमें करने वाले हैं। लेकिन मेरा सोच और वो जो सीरीज होगा मेरा 3 का वही रहेगा, सिर्फ वीडियो में हम लोग थोड़ा रीच करेंगे, लेकिन जो दर्शकों का हमारी जो भोजपुरी दर्शक है जिनको यहाँ लगना चाहिए सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग का मतलब हुआ कि आपके मतलब उस टूटे हुए प्यार के बारे में फिर से वो ताज़ा कर दे और आप उसको सुने तो आपको सुकून मिले, वो सैड सॉन्ग होता है। वैसा ही 3 सैड सॉन्ग है मेरा। यानी कि डोली में गोली मार दें 3 को लेकर के बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और बहुत बड़े लेवल का सॉन्ग जो है हमारे ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है। हाँ, बहुत ऑडियो भी रीच है उसका और वीडियो तो रीच होना ही है। थोड़ा मेरा स्वस्थता के वजह से, चूंकि बहुत सारे कमिटमेंट मेरे आप लोगों ने पूरा किया है, इसके लिए तमाम दर्शकों को, मेरे श्रोता रूपी जितने भी भगवान हैं सबको दिल से प्रणाम और नमस्कार है, आपको थैंक यू, चूंकि आपने हमारा हर कमिटमेंट पूरा किया, वो चाहे मेरे फेसबुक का फॉलोअर्स हो या मेरे डोली में गोली मार दें 2 का। मेरा डोली में गोली मार दें 2 200 मिलियन हुआ, उसी के साथ मेरा फिल्म का भी एक गाना 100 मिलियन हो गया, दूसरे चैनल पे भी वो 80 मिलियन है, वो भी 200 मिलियन में जा रहा है। और भोजपुरी का पहला ऐसा सैड सॉन्ग है जो शुद्ध सैड सॉन्ग, मतलब उसमें कोई डुएट नहीं, कोई आपको रोमांटिक हलचल नहीं, बिल्कुल एकदम सैड सॉन्ग, मतलब सैड सॉन्ग, सैड माने उदास होता, हिंदी का उसका शब्द हुआ उदास, और सॉन्ग माने गीत, माने उदासी गीत। तो क्या होता है कि ये 200 मिलियन पहले ऐसा सॉन्ग है जो 200 मिलियन हुआ है, और चैनल को मिला देंगे तो 300-400 मिलियन है। इस गाने को लेकर के क्या लगता है, ये 500 मिलियन का है या 1 बिलियन वाला है? देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे कि 500 मिलियन का है, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आप कह दीजिएगा तो ऑडियंस आपकी बातों को सुनती है और पूरा कर भी देती है। नहीं ऐसा नहीं है, ऑडियंस मेरी गुलाम नहीं है, मैं उनके गुलाम हूँ, मैं उनका नौकर हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। और हम आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, हम रिक्वेस्टिंग कर सकते हैं, हम आदेश नहीं दे सकते। अच्छा, ये उसके अलावा और कौन कौन से गाने की तैयारी चल रही है, कौन कौन से गाने जो है उससे पहले दे आपके कलम से लिखा हुआ जो है ऑडियंस के बीच आने वाला है, चाहेंगे उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा हो जाए? उसके पहले लोकगीत आने वाला है, चाहता तो इस टाइम नहीं लिखे थे चूँकि हमको एक गाना लिखने का मौका मिला था, लेकिन हम अस्वस्थ हैं इस वजह से हम नहीं जाकर रिकॉर्डिंग करा पाए थे। तो
लोग ही ताने वाले हैं, लेकिन मेरा पूरा फोकस डोली में गोली मार दम 3 के ऊपर है। यानी कि बड़े लेवल का सॉन्ग है, तो बड़ी प्लानिंग चल रही है और बहुत बड़े लेवल का देखने को भी मिलने वाला है। और वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि मेरा क्या है कि मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं जो मेरे दिल के करीब है, लेकिन ये मेरे सबसे दिल के करीब होता है। और अक्सर जब कहीं ना कहीं तन्हाई मिलती है तो ये गाना निकलता है, डोली में गोली मार दें 1, 2 और 3। अच्छा, अभी हाल ही में खेसारी भैया का कोका कोला 2 को लेकर के भी चर्चा हो गया है कि कोका कोला 2 जो है बहुत जल्दी आ रहा है। वो गाना जो है, हमारे ऑडियंस को कोका कोला 2 को लेकर के क्या लगता है, वो ऑडियंस को कब तक देखने को मिलने वाला है? ऑडियंस का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है क्योंकि कोका कोला 2 भोजपुरी का एक समझिए ऐतिहासिक सॉन्ग है और ऑडियंस उसका 2 वर्जन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। समय कम है, हमको उम्मीद कम है कि कोका कोला 2 आएगा, चूँकि कोका कोला 2 लिखने के लिए मुझे ही कमिटमेंट किया गया था। मैं उस गाने को लिखा भी हूँ, अभी म्यूजिक नहीं बना है, सारे गामा से आने वाला था, लेकिन क्या है कि वो थी अभी फिलहाल अब मेरा स्वस्थ है, तो बीच में कहीं खेसारी जी गाए हुए मुझे वो पता नहीं है, लेकिन अभी मुझे जहाँ तक सूचना है कोका कोला 2 नहीं बनने वाला, अभी उनके बदले में AC सॉन्ग आ रहा है टुनटुन यादव जी का लिखा हुआ। अच्छा, अभी खेसारी भैया के ऊपर हाल ही में जो यहाँ पत्थर चला है झारखंड में, इसको लेकर के क्या कहिएगा कि कुछ दिन पहले पवन सिंह जी के ऊपर पत्थर चला, फिर कुछ दिन बाद ही खेसारी जी भैया के ऊपर पत्थर चल गया है। वहाँ के जो पुलिस हैं वो अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाए किसने किया, अभी तक उस लड़के को अरेस्ट भी नहीं किया गया है। इस सब मामले को किस तरह से देखते हैं पवन पांडे? देखिए, 1 लाख जहाँ लाखों की भीड़ होती है पब्लिक की, और उसमें कोई पत्थर चलाता है, या हो सकता है कोई अपने ही ऑडियंस में देख रहा है उसी को कोई मारा, जैसे ऐसे भी होता है। जैसे मान के चलिए हम आगे खड़े हैं और पीछे हम छोटे, लेकिन पत्थर काफ़ी बड़ा था और उस जो फीमेल डांसर थी उसका सिर तक फट गया, जैसा खेसारी भैया बोल रहे हैं। पत्थर तो हम वजन करने नहीं गए थे, उस प्रोग्राम में थे भी नहीं, लेकिन क्या है कि पत्थर जो भी चलाए हैं वो गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है कि सबके सम्मान को ठेस पहुंचता है। बाबा चाहेंगे चलते चलते एक डोली में गोली मार दम जो पहला सॉन्ग था वो 2 लाइन हो जाए कि तहरा संगे घिचावल फोटो फार देम, अजही आई बारात तोड़ डोली में गोली मार देम, कि जही आई बारात तोड़ डोली में गोली मार देम। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद, मेरे न्यूज़ को, मेरे संवाद को, मेरे वक्तव्यों को लोगों के बीच पहुंचाया, इसके लिए आपको थैंक यू। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।